हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए तीन मेजर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। सो गाइस, वीडियो के साथ कंटिन्यू बनो रहोगे क्योंकि इस चैनल पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है वो सभी इन्फॉर्मेशन सही और 100% सही होते हैं। सबसे पहला मेजर चेंज आपने देखा है सैंपल पेपर को लेकर। सैंपल पेपर के अनुसार से आप प्रिपरेशन करते रहो। और दूसरी, यहीं पर मैं बताऊंगा पहली बात में कि अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो जरूर सैंपल पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि सैंपल पेपर में सारी जो चीजें जो चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा वो आप पहले देख लो बाबू, एग्जामिनेशन से पहले देख लो, क्योंकि एग्जाम में जब देखोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिल पाएगा। अभी अगर आप चेंज अपने आप को रीड कर पाओगे तो आपको यह समझ में आएगा हमें किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले के एनसीईआरटी बुक को तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन रेफरेंस बुक को भी आपको इस बार बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस जो है या सैंपल पेपर को आपने जो देखा है वो कंपटेंसी बेस पर क्वेश्चन है। आपको रटा रटा हुआ किसी बाजार से रेडीमेड जो क्वेश्चन बना के आप तैयार कर लेते हो ना, वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सीबीएसई इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। चैप्टर वाइज आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, पहली बात ये चेंजिंग जबरदस्त है। दूसरी बात, जो सिलेबस की कटिंग की बात जो है, सिलेबस जो है वो आप देखा नहीं, लीडिंग न्यूज चैनल के आधार पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बात करते हुए उन्होंने बताया कि आपका जो है सिलेबस जो है 100% ही रहने वाला है। जो 25% या 30% डिटेक्ट किया गया था उसको दोबारा वापस ले लिया गया है। जरा सा इस पे भी ध्यान रखोगे और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहोगे, जैसे कुछ, क्योंकि सिलेबस जरूर रिड्यूस होगा, कुछ तो कम होगा, जैसे कुछ अपडेट आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि यहां पर जो चैनल में मिलेगा वो आपको सही बेहतर इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इसलिए आप अभी अपने सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ो। सैंपल पेपर के अनुसार से मैंने कई प्रकार का आपको सब्जेक्ट वाइज का ब्लूप्रिंट भी दिया है। इंग्लिश और हिंदी का ब्लूप्रिंट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देखो, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया बच्चों, ऐसा नहीं है कि त्योहार कोई नहीं मनाएगा, हम सब मनाएंगे, लेकिन मेरे गाइस बच्चों मेरे, आप पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान दोगे, 2 घंटा 2.5 घंटा कम से कम अभी भी इस त्योहारों के सीजन में भी अपनी स्टडी पे लगे रहो, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि सीबीएसई का ही नोटिफिकेशन है कि 15 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, और इस एग्जाम में 15 फरवरी से स्टार्ट तो जरूर हो जाएगा मे बी, लेकिन यहां पर याद रखोगे आपको माइनर सब्जेक्ट के आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी मेजर सब्जेक्ट का और माइनर सब्जेक्ट का बाद में होगा, यानी कि जैसे संस्कृत है या फिर उड़िया भाषा है, ये सब पेपर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में जाएगा। टेंटेटिव डेट पर भी एक वीडियो मैंने आपको दिया है, टेंटेटिव मतलब संभावित डेट जिस हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड किया। ये सब चीजें तो बदलाव होता ही रहेगा, लेकिन तीसरी जो मेजर अपडेट यहां बता दिया गया है, आपका डेट शीट जो है रिलीज को लेकर जो रूमर उड़ रहा था कि डेट शीट आ गया, डेट शीट आ जाएगा, डेट शीट के बारे में सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि, और ऐसे भी आप देख लो जब भी निकलेगा वो दिसंबर में से पहले आपको नहीं, 20 दिसंबर से पहले आपका डेट शीट रिलीज नहीं हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर चैनल पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि देखो फिजूल वाला बातों से प्लीज अपने आप को दूर रखो, क्योंकि अगर इस फिजूल के बातों पे अगर अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो आपकी स्टडी पर असर पड़ेगा, आप पे बहुत असर पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगा, और अगर आपको पढ़ाई करना है अगर है तो स्टडी विथ एस मल्लिक जीएस सेंटर के साथ आपका तो चल ही रहा है, स्टडी विथ एनसीईआरटी घर का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर आपकी स्टडी मैथ्स चैप्टर वाइज चल रहा है और बहुत जल्द ही और भी पेपर वहां मिलने जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।